There, we got it, William. How are you doing? How's the back? First, tell me, how's your back? Huh? I'm ठीक है. I'm fine now. सो रहा था मैं अभी. अभी उठा हूँ. क्या सारा सारी रात जागते हैं? सारा दिन सोते हैं? अभी तक jet lag नहीं गया? नहीं, jet lag की वजह से अब routine ऐसी हो गई है. मेरा खराब हो गई है. रात में फिल्में और ये Netflix सीरीज वगैरह देख रहा. अच्छा, व्हाट आर यू वाचिंग? अभी तो खैर मैं कल ऐसी उधर सब समझ में नहीं आ रहा था क्या देखूं, तो मैंने प्रोटेक्टर शुरू कर दिया था. वो एक टर्किश. या आई एम वाचिंग उर्तगाल. हैव यू सीन रेजरेक्शन? इट्स अमेजिंग. वो देख लिया, पूरा हो गया वो. कितना लंबा है तुमने पूरे पांच एक सीजन 75 एपिसोड. मैं तो फास्ट फॉरवर्ड में देख रही हूँ. मुझे इतना नहीं देखा जाता है. मैंने भी ऐसी देखा, वो पूरा नहीं देख सकते आप, इतना नहीं देख सकते, लेकिन उसके कुछ मोमेंट वगैरह बहुत अच्छे हैं. वो कैरेक्टर बहुत अच्छा है. तुम्हें पता है वो खान का फेवरेट है? हाँ, बिल्कुल, वो पता चला. वैसे मैंने देखा था जब मैंने फर्स्ट टाइम ये कहा ना कि अर्जुन देखना चाहिए, तो मैंने फिर देखा. अच्छा, वेरी गुड. सो बस, आई एम हैविंग फन. माय सन इज हियर विद मी. तुरान इज हियर. हाय, वेयर यू गो? हाय, हाउ आर यू? व्हाट आर यू? सो खुद क्या कर रहे हो? मैं आई गेट अप, आई सिट इन द फोन. ओ, मायरा इज ऑन. डू यू वांट टू से समथिंग टू हर? यूपीए मायरा खान, कैसी हो? मायरा खान, मैंने वो लास्ट एपिसोड देखा मायरा, उसका बिन रोए का, तो बड़े दिनों बाद कमाल एक्टिंग करती हो मायरा. तुमने बहुत अच्छा काम किया उसके अंदर. खुश रहो. इट्स गुड. अगर वो देख रही है. आई नो, आई लव मायरा. आई लव हर. आई एक्चुअली लव हर. यू नो, मैं I love a lot of celebrities, but I actually love her a lot. And you are one of my favorites as well. And tumhari meri dosti jo hai na, actually us din hui thi jab Ramzan mein tum aaye the mere ghar. Wo mujhe bahut achhi raat lagi thi. Jo tumne dil se baatein ki thi na, wo bahut achhi thi. Aur wo bahut purani baatein hain, dil ki baatein hain. Purani baatein achhi hoti hain, you know. Also, I have a lot of respect for people जो कि सेल्फ मेड होते हैं, यू नो, और जो अपनी ड्रीम्स को फॉलो करते हैं. आई थिंक ये बहुत जरूरी होता है इंसान के लिए, यू नो. सो आई थिंक यू आर वन. और वैसे भी तुम बड़े अच्छे इंसान हो. मैंने कभी तुम्हारे बारे में कुछ सुना ही नहीं है इंडस्ट्री में कि यार हुमायूं अच्छा नहीं है. हुमायूं ऑलवेज मेरे मुझे नहीं, मैं तो मुझे तो हर कोई ये बोलता है यार तुम्हारे बारे में ये बड़ा सुना कि तुम्हारे बड़े अफेयर्स चलते हैं, तुम्हारे बारे में ऐसा सुनने में आता है, तुम बहुत बड़े फ्लर्ट हो. ऐसा नहीं सुना कभी मेरे बारे में? मैंने सुना है, बिल्कुल सुना है मैंने. पर मैं ये चीजें इग्नोर करती हूँ. मेरे बारे में भी लोगों ने बहुत बातें की हैं, तो मैं उनको भी इग्नोर करती हूँ. बिकॉज आई थिंक हर इंसान को अपने बारे में, आई थिंक वैसे फ्लर्टिंग इज, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन फ्लर्टिंग. ओके, फ्लर्टिंग इज गुड. हैविंग अ क्रश इज गुड. अगर अगर किसी पे क्रश होता है तो इंसान सुबह उठता है तो यू नो इट्स नाइस, इट्स अ गुड फीलिंग. क्रश इज अ क्रश इज, दे गेट क्रश्ड इवेंचुअली. दे गेट हेल्दी फ्लर्टिंग. ऑफ कोर्स इट्स हेल्दी फ्लर्टिंग. अच्छी चीज होती है. Yeah, my father, he was such a charmer. एक flirting का भी एक तरीका होता है. एक flirting होती है जो जो अच्छी नहीं लगती लोगों को, और एक flirting होती है जिसमें charm होता है. तो वो charm बड़ा जरूरी होता है flirting के अंदर, you know, है ना? मैं मिला हूँ, उनका तो बड़ा हाथ है. उन्होंने पहली जॉब पे जब मैं लगा था तो उन्होंने लगवाया था नदीप के पास. I know. मुझे पहली नहीं नहीं पहली जो, yeah, that's right. But you know, I think
आई थिंक तुम्हारी और मेरी फैमिली जो है ना वो जुड़ी हुई है एक किस्म की, यू नो, एंड आई थिंक दैट्स माय रिलेशनशिप विद यू आल्सो, बिकॉज ऑफ अबू एंड बिकॉज ऑफ नदीम माय ब्रदर इन लॉ, एंड ऑलवेज द गुड थिंग्स आई यूज्ड टू हियर अबाउट यू. आई थिंक सबको, तुम्हारे फैंस को भी नहीं ये बात पता है, बट यू नो आई थिंक माय रिस्पेक्ट फॉर यू बिकॉज यू नो माय मामू केम बैक फ्रॉम द फ्यूनरल एंड सेड यू नो my father's funeral, उन्होंने कहा कि you know Humayun was there and even at Nadeem's funeral obviously you were there, so you've always been very good in traditions and in values. I think these are very important things. और ये हर एक में नहीं होता, because stars के अंदर बड़ा ego होता है. मेरे में कोई, मैं हमेशा कहती हूँ मैं कोई ego नहीं है, because हमेशा I think humility रखनी चाहिए. और I think आपकी upbringing पे बहुत depend करता है, you know where you come from, where you, what your family is all about, because you, and I think that's another thing that I notice about this ये जो Turkish play है Resurrection, इसमें they stress a lot about honor and dignity and family and faith. इस तरह की चीजें बहुत important होती हैं ज़िंदगी में. Yes, yeah. जब अपनी शक्ल नजर आती है ना तो मैं घबरा जाता हूँ. मुझे सिर्फ आप नजर आओ ना तो ज्यादा बेहतर है, मैं आपसे बात कर सकता हूँ. But you know, I'm very good at. मैं सेल्फियां बहुत लेती हूँ ना, तो I'm quite used to it, you know. और मुझे अब परवाह नहीं है कि what I look like. मैं उस दिन मीरा से बात कर रही थी, so I, because मीरा को भी बड़ा difficult लग रहा था. मीरा को तो बहुत मुश्किल लगा ये करना, but she is very good, you know. She actually managed it, you know. She actually managed it. So yeah. So. और आपको भी आदत लग रही है मुझे बात करने. मुझे नहीं, मुझे ये तो रहान ने मुझे सिखाया ना. मैं ये भी एक चीज है, यू नो वो कहते हैं ना कि बच्चे आपको विद इट रखते हैं. तो आई हैव लर्नड एवरीथिंग, आई हैव लर्नड एवरीथिंग फ्रॉम हाउस पार्टीज टू जूम. और मेरे ऑफिस के भी लोग बहुत यंग है ना, तो वो मुझे सिखाते रहते हैं चीजें और मैं उनसे सीखती भी हूँ. I used to be very technically challenged, you know. I always tell everybody I'm an artist, so I don't need to know all of this, but मैंने अपने आप को एजुकेट किया, बिकॉज दिस इज एक्चुअली द फ्यूचर, राइट. अच्छा भाई, तुम्हारे फैन भी बड़े सवाल कर रहे हैं, एंड लेट्स टेल देम समथिंग. हुमायूं, वो जो तुमने मुझे कहानी सुनाई थी याद है, कि व्हेन यू वर वर्किंग विद नदीम माय ब्रदर, हाँ, और जब उन्होंने तुम्हें एक गाड़ी प्रेजेंट दी थी, तुम्हें गाड़ी नहीं चलानी आती थी, वो वाली कहानी तो सुनाओ. आई लव दैट स्टोरी. जब मैंने नदीम के पास जॉब की तो मेरी पहली जॉब हो रहा है तो नहीं सुन आई लेट इट्स अ गुड स्टोरी टू शेयर ना. हाँ, 17 साल का होगा जब मुझे, मैंने वहां जॉब शुरू की. पहले बिल्कुल मैं मैनेजर लेवल पे मुझे उन्होंने बुलाया कि तुम अभी चीजें सिर्फ देखो, मतलब मुझे सिखाया भी उन्होंने. और फिर विद इन 2 ईयर्स मैं 2 फैक्ट्रीज का 3 फैक्ट्रीज का जनरल मैनेजर बन गया. और काफी मेहनत में रहता ही वहां था, मुझे एक काम मिल गया. मुझे मेरी लाइफ चेंज हो गई कि यू नो मुझे फैक्ट्रीज के अंदर फैक्ट्रीज इनकी मुझे देखनी है. और फ्यूचर उन्होंने मुझे बताया कि भाई तुम इनको रन करोगे. तो यू नो मैं सारा सारा दिन फैक्ट्री में, रात में भी फैक्ट्री में रहता था. 2 साल में मुझे जनरल मैनेजर बन गया. आई वॉज 19 ईयर ओल्ड जब मैं जनरल मैनेजर बन गया दोनों फैक्ट्रीज का. तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. तो अभी मुझे गाड़ी शाड़ी, उन्होंने मुझे बोला कि बात सुनो, मैं तुम्हें ड्राइवर लेने जाता है, छोड़ने जाता है, तो तुम एक काम करो, वो मैं ड्राइवर हटा रहा हूँ. तो मैंने कहा तुम्हें कैसे आऊंगा, कहते कुछ नहीं, तुम गाड़ी ले. तो वो छोटी गाड़ी थी, मगर गाड़ी मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी कि मैं हैरान हो गया. अब मैंने ये सोचा कि गाड़ी मुझे दे तो रहे. तो उन्होंने मुझे बोला कि चलानी आती है. तो मैंने 1 मिनट के लिए सोचा और मैंने कहा आती है. मैंने कहा कि मैं अगर असल में ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि आती है नहीं आती. ये मेरे दोस्त ने, जो मेरा
उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें गाड़ी तो मिल गई है, बहुत बड़ी बात है, मुबारक हो, लेकिन तुम्हें क्या चलानी आती? मेरे दोस्त ने पूछा जो वहीं पे काम करता था। तो उसने मुझे जब बोला तो उसने मैंने कहा यार मुझे मुझे तो नहीं आती। तो मैंने कहा तुम्हें आती है, मैं घर कैसे जाऊंगा? तो कहते मैं किसी ना किसी तरह तुम्हें पहुंचा दूंगा। उसको भी ठीक से नहीं आती थी, वो मुझे बिठा के ले गया गाड़ी में और घर आया। पूरी रात सीवीयू पे उसने मुझे, एक रात जितनी उसको गाड़ी आती थी उतनी उसने मुझे सिखा दी। अब मैं दूसरी सुबह फिर फैक्ट्री उसी गाड़ी पे बैठ के खुद आया था, हम दोनों साथ ही आए। तो अच्छा, और वो उस जमाने में तो ऑटोमेटिक भी नहीं होती होगी ना, स्टिक शिफ्ट होती होगी, वो गियर शिफ्ट वाली ऑटोमेटिक नहीं थी। जब आप सीखते हैं शुरू में गाड़ी, तो सबसे पहले वो गियर गियर वाली गाड़ी से सीखना आई थिंक। राइट, या ओके। अच्छा, आप थोड़ा सा वो हिल गया उसका फोन फिर से। तुम हिल रहे हो ना? हाँ, तुम हिल रहे हो ना? तुम्हारी आ रही है सही नजर आ रही है शक्ल? ठीक है, अरे अदनान से भी मैंने बात की उस दिन। तो मैं, पता है कि अदनान और मेरा छोटा भाई फरजान जो है वो कॉन्वेंट में साथ पढ़ते थे और हमारे पास उस वक्त ट्रांसपोर्ट नहीं होती थी, तो अब्बू हमें एक टैक्सी में भेजते थे स्कूल, और 10 बच्चे होते थे, और हम इतने एम्बेरस होते थे कि उस टैक्सी में स्टिकर्स, वो जो जैसे थे चमक पट्टी लगी होती थी और हॉर्न लगे होते थे, और उसमें टीवी भी था, फ्रिज भी था। तो हम, वो मुझे याद दिला रहा था अदनान कि तुम्हारी गाड़ी में बैठ के हम मोहम्मद अली की फाइट देखा करते थे। मैंने कहा माय गॉड, यू नो इट्स सो इनक्रेडिबल दैट व्हेन यू गो बैक सो फार। एंड देन अदनान स्टार्टेड वर्किंग with me as a model. He started as a model first, so that was very interesting experience. Anyway, what do you want to do? Should we talk about something else? Yeah, should we? क्या बात करनी है? तुम खुद बताओ ना, लोग सवाल पूछ रहे हैं मुझसे। क्या सवाल पूछ? मुझे सुनो, मुझे ये बताओ, मुझे अहमद अली भट्ट ने कल बोला कि 15-20 दिन रह गए ड्रामों के, उसके बाद कंटेंट खत्म हो जाएगा टीवी पे, फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तो रिपीट में आएंगे, रिपीट टेलीकास्ट आएंगे। शुरू तो हो गया, एक दो दूसरे तो कर भी दिए हैं शुरू, क्योंकि जो रनिंग ड्रामास चल रहे थे उनकी शूटिंग हो रही थी। बहुत से ड्रामे ऐसे थे जिन जो हैंड टू माउथ थे, शूटिंग हो चुकी और वो खत्म होंगे। व्हाट अबाउट योर फिल्म? फिल्म खत्म हुई कि नहीं? पंजाब नहीं जाऊंगी, रुक गया। अच्छा, आई वांट टू डू अ स्मॉल कैमियो इन द नेक्स्ट फिल्म, पक्का। आई एम गोना कॉल नदीम बेगम। लंदन नहीं जाऊंगे, या आई वांट टू डू अ कैमियो फॉर यू गाइस, विल विल ठीक है ना? Really? You really think so? Of course, because okay, let's pray for the best. Let's pray that that does not happen. मेरा अंदाजा ये है, मगर काश अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ और सब कुछ ठीक हो जाए। Yeah, I'll tell you why, Humayun. Because it's not just कि फिल्मों का एक business बंद नहीं हुआ, सारा business बंद हो गया, except for obviously सारा खाने खाना पक रहा है। I mean obviously companies who are making food and multinationals, FMCGs, वो सब काम कर रहे हैं, and in fact they are working 24/7. मैंने I spoke to Tapal, I spoke to Unilever, उनकी फैक्ट्रियां तो 24/7 चल रही है ना, क्योंकि everybody wants household items. But what so I think they're all in the same position, you know. So maybe, and also when people are in this position, they want relief. They want happiness. They want to have conversations like this. They want to listen to. मैं तो बताऊँ, मैं इतनी खुश होती, मैं पता ये क्यों कर रही हूँ? मैं सारा दिन डिप्रेशन में नहीं पढ़ना चाहती, इसलिए मैं ये रोज करती हूँ ताकि मैं कनेक्ट करूँ। कल पूरी परेड लव की टीम है, हमारा ग्रुप है, हम जूम पे गए, हमें इतना मजा आया।
सो नाइस यू नो. तो आई थिंक ये बहुत जरूरी हो गया कि हम अपने आप को पॉजिटिव रखें, एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू यू नो. सो लेट्स बी पॉजिटिव. आई थिंक पीपल विल नीड एंटरटेनमेंट, यू नो, पीपल विल नीड एंटरटेनमेंट. एंड ऑल्सो लोग कहते हैं कि लोग पार्टी बहुत करते हैं. You know, when things like this happen, people, because they want relief, they want to have a good time, they want to dance, they want to do, you know, so human race, jana, hamari bahut resilient hai. I really believe that, or, you know, and I think that is where positivity has to come in. मुकाबला हम कर लेंगे और हम अपनी पार्टियां शुरू कर देंगे वापस. मैं तो हाउस पार्टी हो रही थी. आई वाज राशिद राणा आर्टिस्ट की बर्थडे थी. यू नो ही हैड सिक्स कॉन्टिनेंट फ्रेंड्स फ्रॉम सिक्स कॉन्टिनेंट्स ऑन इट. एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एवरीबॉडी वाज ऑन दैट जूम पार्टी. अमेजिंग. देखो ना हमारे वैसे पाकिस्तानी तो वैसे ही जुगाड़ निकाल लेते हैं कहीं ना कहीं. निकलना विकलना बंद हुआ है लेकिन तो फिर मिलना भी शुरू करेंगे. दूर दूर डिस्टेंस रख के, फासला रख के हम मिलेंगे एक दूसरे से. थोड़ी सोशियोलॉजी चेंज हो जाएगी या उलट हो जाएगा या लोग ज्यादा पास आ जाएंगे. हम लोग ज्यादा पास आ जाएंगे. न्यू नहीं हो सकता है. आई थिंक लोग ज्यादा पास आएंगे. हाँ ज्यादा पास. एग्जैक्टली. या Okay, so Humayun, I told you I will keep this short because I think it's always less is more. Okay. And I can always talk to you later. Here's the heart I'm sending to you because I do adore you and love you very much. You know that. I think तुम्हें ये भी पता है कि मुझे तुमसे कितना प्यार है. I love you so much. You are such a good human. And all my love to Samina and to Sana. Okay. And give them a big hug from me. And I'd like to see them next time. Next time I want to see them also. On this. Inshallah. Okay? Inshallah.